गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर IQ। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर IBPS SO AFO का। इसमें बेसिकली 60 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि कंपाइल हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये बिल्कुल सही हैं। और कुछ कुछ के आंसर फ़िलहाल नहीं मिले हैं, आप कमेंट बॉक्स पे जाके आंसर लिख सकते हैं अगर आपको पता होगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये 60 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड ऑफ कमोडिटी इन रूरल गोडाउन? तो इसका आंसर है 10 मंथ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन इन रूरल गोडाउन? तो इसका आंसर है 90%। थर्ड क्वेश्चन है, डेयरी एग्रीकल्चर लेबर वेजेस फॉर ऑपरेशन फॉर सोइंग हार्वेस्टिंग कंडीशन इज लोएस्ट इन? तो इसमें कहा गया है एग्रीकल्चर लेबर में वेजेस सोइंग और हार्वेस्टिंग जिसमें कंडीशन है लोएस्ट है हरियाणा में। सेम क्वेश्चन है फोर्थ वाला, बस इसमें एग्रीकल्चर लेबर में एक कंडीशन दे दी है मैन में कि मैन के मुताबिक सबसे लोएस्ट कंडीशन कहाँ है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गाइडलाइंस रिवर्स फॉर नारी शक्ति पुरस्कार? तो सही आंसर है 2016। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मिनिमम एज ऑफ इंडिविजुअल वुमेन कैटेगरी फॉर नारी शक्ति पुरस्कार? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें इंडिविजुअल वुमेन कहा है तो इसमें 25 एज है मिनिमम, और अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको 30 टिक करना होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, कैंकरस स्पॉट ऑन लीव्स, ये एंटमोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बैक्टीरियल कैंकर। ब्रैकिश वाटर कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो उसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तो मिला नहीं है, पर ब्रैकिश वाटर कंटेंट से क्वेश्चन आया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, गोट पॉक्स वैक्सीनेशन रिलीज बाय? तो ये वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन IVRI लिख रहा था। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज रेड रॉट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पैथोलॉजी से रिलेटेड, पोलेटोट्रेकम फैलकटम। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिजीज इनसाइड द स्टेम? तो इसमें आंसर है रूट डिजीज। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ असिस्टेंस ऑफ बिलो 20 BHP ट्रैक्टर ड्राइविंग मोल्ड बोर प्लॉग बेनिफिट फॉर अदर देन ST/SC वुमेन स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर? इसका आंसर है 40% कॉस्ट अप टू 16,000। तो एग्रीकल्चर मशीनरी से क्वेश्चन लगभग 5-6 बने हैं, तो हम देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द RBI? तो ये है 5 करोड़। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन में करोड़ में दिया है या मिलियन में दिया है तो इस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NABARD ऑप्टिमम नंबर ऑफ ग्रेफिटेनेबल स्कियोन फ्रॉम ईच प्लांट आफ्टर 4 ईयर्स इज 25। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रैक्टर 20 PTO हॉर्स पावर फॉर SC/ST स्मॉल मार्जिनल फार्मा वुमेन फार्मर? तो इसमें ऑप्शन है, पर बेसिकली जब हम कंप्यूटर एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें लगता है कि नन ऑफ द अबव बहुत ही कम होगा, पर इस वाले में एग्ज़ामिनर हमारे कॉमन सेंस को देखना चाहता है। जनरली अगर किसी का आंसर 20% ऑफ कॉस्ट मैक्स 100K है, पर अगर 20% ऑफ कॉस्ट मैक्स 50K दिया है तो बच्चे जल्दबाजी में 20% देख के ही टिक मार देते हैं, पर इसका आंसर है None of the above।
16 क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर टिलर अबाउ 8 PTO HP फॉर SC ST स्मॉल मार्जिन ऑफ फार्मर वुमेन फार्मर. तो इसका आंसर है 50% कॉस्ट मैक्स 85,000. 17 क्वेश्चन है. व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर पावर टिलर 8 BHP फॉर वुमेन फार्मर. तो ये भी सेम है, इसमें भी नन ऑफ द अबव. 18 क्वेश्चन है. व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर MP प्लॉग 20 to 35 BHP फॉर वुमेन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. तो इसका आंसर है 20% ऑफ कॉस्ट मैक्स 50,000. 19 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैविंग हाइएस्ट एरिया ऑफ एल्कली सॉइल. ध्यान रखिए एल्कली सॉइल को ही सोडिक सॉइल बोलते हैं, तो इसका सही आंसर UP हो जाएगा, उत्तर प्रदेश. 20 क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मैनी प्लांट्स विद इन ड्रॉपिंग और टाइनी ग्रोथ हैबिट कैन बी प्रोपगेटेड. तो इसका आंसर है टिप लेयरिंग. 21 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स क्रिटिकल स्टेज CRI टिलरिंग एंड बूटिंग. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको किसी भी बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीमराज सुंदर में इसको आसानी से मिल जाएगा. इसका आंसर है वीट. सेम क्वेश्चन अगेन आया है पर इसमें देख लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स क्रिटिकल स्टेज फ्लावरिंग पैक पेनिट्रेशन पॉड डेवलपमेंट. तो इसका सही आंसर है ग्राउंड नट. 23 क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द रोटेटरी टिलर RPM. रोटेशन पर मिनट है, यह है 180 to 200. ये 2018 का क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देख के जाना है. 24 क्वेश्चन है. हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कवर अंडर लीड बैंक स्कीम. तो इसका आंसर है 714. विच ऑफ द फॉलोइंग 25th क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज ऑपरेशन विच द सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू प्लांटिंग. तो इसका सही आंसर है रिज टिलेज. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसमें थोड़ा कंडीशन दिया है. 26 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज ऑपरेशन विच द सॉइल इज लीव 15 to 30% ऑफ रेजिड्यू कवर आफ्टर प्लांटिंग ऑफ स्मॉल ग्रीसिन रेसिड्यू इक्विवेलेंट थ्रू क्रिटिकल विंड इरोजन. तो इसका आंसर है रिड्यूस टिलेज. 27 क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द ब्लू रिवॉल्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट इज द सब्सिडी यूनिट ऑफ फिश कल्चर. तो सब्सिडी जो दी जाती है फिश कल्चर में वो है 40%. 28 क्वेश्चन है. प्रोपेगेशन मेथड फॉर कैश्यू नट क्रॉप. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग. 29 क्वेश्चन है. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल. तो इसमें बेसिकली आपको बताना था कि कवरिंग मटेरियल के लिए कौन सा चुना जाएगा. तो इसका आंसर है ग्लास ग्लेजिंग ग्रीन हाउस. सेम क्वेश्चन 30. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन. तो इसका आंसर है वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस. 31 क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर यूटिलाइज्ड सरफेस फ्लो वाटर इज लो. तो इसका आंसर है नर्मदा. 32 क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द नेशनल हाउसिंग बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग लोएस्ट प्रोडक्शन इन 2017-18. माफ कीजिएगा. अकॉर्डिंग टू द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग लोएस्ट प्रोडक्शन इन 2017-18. तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है जो कि एनुअल रिपोर्ट देता है हमेशा, इसके मुताबिक 2017-18 में जो लोएस्ट प्रोडक्शन है वो है मेडिसिनल प्लांट्स की. 33 क्वेश्चन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल अंडर RKVY. व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्ट पर हेक्टेयर फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एस्टिक सॉइल. यह है 15,000. 34 क्वेश्चन. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यंग लीव्स टर्न इनटू क्लोरेटिक एंड स्टॉक स्टाउट. यह है आयरन. 아이런 और नाइट्रोजन में मेनली ये डिफरेंस है. आयरन जब भी आपको आए तो यंग लीव्स में होता है जो कि क्लोरेटिक हो जाता है, येलो पेल येलो. पर नाइट्रोजन के केस में ये ओल्डर लीव्स में होता है.
ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई सेंसिटिव टू वाटर स्टोरेज। ये है वीट, बहुत बेसिक क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो मीडियम टू वाटर स्टोरेज, ये है कॉटन। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई सेंसिटिव टू वाटर स्टोरेज, ये है कैबेज। 38th क्वेश्चन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट इन 2017-18 इज 1735 पर क्विंटल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2017-18 का पूछा है, 2018-19 का नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि आप पहले वाले डाटा भी याद करें। 39th क्वेश्चन, MSP ऑफ राइस इन 2018-19, यह है 1750 पर क्विंटल। 40th क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया बनाना एक्सपोर्ट इज हाईएस्ट। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो यह है सऊदी अरेबिया। 41th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैंडल्ड बाय हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, ये है मोर देन 400। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2018 वाला। 42 क्वेश्चन, यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट फॉर ऑल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये है 5%। 43 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्यूब वेल असिस्टेंस अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यह है 50% ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम 25,000। 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट सप्लाई नाइट्रोजन, तो यह है ट्राइकोडर्मा वर्डी। 45th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द RBI गाइडलाइन मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन टू STSC इज 1 लाख। 46th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर, यह है 2016। 47th क्वेश्चन, pH वैल्यू इन एसिटिक सॉइल इज बिलो 7। आपको कमेंट करके बताना है मेरे को कि सोडिक सॉइल का pH कितने से कितने तक होता है। 48th क्वेश्चन, नाइट्रोजन कंटेंट इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यह है 25%। 49th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मीडियम साइज्ड गोडाउन, यह है 500,000 से 2,000। 50th क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्केट कवर्ड E9 टिल डेट, तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एग्जैक्ट नंबर की जगह आपको एक वेरिएशन दे दिया था कि कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सही आंसर है 500 to 600, और अगर एग्जैक्ट आएगा तो है 585। 51th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लोएस्ट SRR, यह है ग्राउंड नट। 52 क्वेश्चन, यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट फॉर ऑल RBI रबी क्रॉप्स एज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह है 1.5। 53 क्वेश्चन, नाबार्ड हैज फॉर्मुलेटेड फिश कम डूइंग स्कीम फॉर 1 हेक्टेयर फॉर्म, एक्सपेक्टेड ग्रो आउट पीरियड ऑफ फिश फॉर द प्रोजेक्ट इज 11th मंथ। 54th क्वेश्चन, नाबार्ड हैज फॉर्मुलेटेड फिश कम डूइंग स्कीम फॉर 1 हेक्टेयर फॉर्म, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रीड काओ एज एजम्पशन, तो यह है 5। 55th क्वेश्चन, नाबार्ड स्कीम फॉर कंबाइंड हार्वेस्टेड लाइफ पीरियड एज पर स्कीम इज 66,000 आवर्स, जो कि हम रफली कह सकते हैं 100। 56th क्वेश्चन, यूनिफॉर्म पीरियड रेट फॉर ऑल ऑयल सीड क्रॉप्स एज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज, तो इसमें आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें ऑयल सीड के आगे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ऑयल सीड आपकी खरीफ में भी है और रबी में भी, तो इसका आंसर, ये बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन था, नन ऑफ दिस करना है। 57th क्वेश्चन, ईनैम जो कि पोर्टल है, लॉन्च्ड कब हुआ था, ये 2016 में हुआ था। और 58th क्वेश्चन, फील्ड कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो इज 1.5 हेक्टेयर पर डे। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन। तो बेसिकली मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और जो कि मतलब बेसिक थे, जो कि आपने अगर PDF वगैरह पढ़ी होगी तो आप आसानी से कर लीजिए। तो डूएबल इसमें 15 to 18 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन डीप थे जो कि आपकी नॉलेज चेक करता है। तो IBPS 2020 में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़ामिनर का, वो आपकी डीप नॉलेज चेक करेगा, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए। और
पीडीएफ आपको प्रॉपरली पढ़ाई जाएगी, और लेटेस्ट जो स्कीम्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में देते रहूँगा। तो टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे आने वाली वीडियोस का वेट करिए। थैंक यू।